Now, Luddil medical management. Medical management. जो ड्रग आप सीजर में दे रहे हैं इनको बोलते हैं एंटी सीजर ड्रग. क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. है ना, इसमें जो सबसे पहले ड्रग आती है इसमें वो आती है आपकी फेनिटॉइन. कौन सी आती है? अच्छा, फेनिटॉइन इज अ डीओसी. मैं बता रहा हूं क्यों डीओसी है. है ना, ये डीओसी किसका है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर जनरलाइज. तो ये डीओसी किसका हो गया? जनरलाइज. है ना, ओके. लेकिन लेकिन ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. ये क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी में क्या है, क्यों? फीटल हाइडेंटॉइल सिंड्रोम. ओके भक्तजनों, फेनिटॉइन अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो इसकी जगह देते हैं हम फिनोबार्बिटॉल. प्रेगनेंसी में क्या देते हैं? फिनोबार्बिटॉल. बार्बिट्यूरेट है एक तरीके, क्या है? बार्बिट्यूरेट. इसी वजह से इसका नाम क्या है? फिनोबार्बिटॉल. हेक्साबार्बिटॉल होता है, पेंटोबार्बिटॉल होता है ना. ओके नाउ अब यहां से क्वेश्चन और समझना. फेनिटॉइन के साइड इफेक्ट से क्वेश्चन आता है. हॉट मलाइका. फेनिटॉइन के किससे क्वेश्चन आता है? साइड इफेक्ट से. साइड इफेक्ट में एक ट्रिक है हॉट मलाइका. हॉट मलिका. मलिका मलिका इज रियली हॉट. एच, ये किसके साइड इफेक्ट है? फेनिटॉइन. एच फॉर हिर्सुटिज्म. हिर्सुटिज्म क्या है? हिर्सुटिज्म, हेयर ग्रोथ, दाढ़ी आना, मूछे आना, आवाज भारी होना, मस्कुलिन फीचर आना, और स्पेशली हेयर ग्रोथ इज नोन एज द हिर्सुटिज्म. इसी में एक और एच है, दैट इज द हाइपर ट्रॉफी ऑफ गम. जो ये गम्स है उनकी क्या होना? हाइपर ट्रॉफी. ओ फॉर ऑस्टियोमलेशिया. What is osteomalacia? Softening of bone. T for teratogenic effect. Teratogenic effect. और इसमें कौन सा इफेक्ट मिलता है? Fetal Hydantoin syndrome. Fetal Hydantoin syndrome. जिसमें बच्चे का फिजिकल, बच्चे का मेंटल ग्रोथ क्या होता है? बंद हो जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम. एम फोर मेगालोब्लास्टिक एनेमिया. मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. जो आरबीसी बन रही है वो नॉर्मल से साइज से बड़ी है या छोटी है? बड़ी. मेगालो का मतलब लार्ज. अरे हाँ या ना. नाउ नेक्स्ट, ए फोर अटैक्सिया. ए फोर क्या मिलेगा? क्या है अटैक्सिया? क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा? नहीं रहेगा. नहीं, इनकोऑर्डिनेशन. एल फॉर लिम्प एडिनोपैथी. मलिका एल. हाँ, लिम्प एडिनोपैथी. क्या है लिम्प एडिनोपैथी? लिम्प नोड क्या मिलेगी? एनलार्ज. आई फॉर इंसुलिन इनिबिशन. हाँ बच्चे, बढ़िया. क्या है इंसुलिन इनिबिशन? जब इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाए? बंद हो जाए. उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन इनिबिशन. तो क्या जब इंसुलिन इनिबिट हो गया तो ग्लूकोज नॉट कन्वर्ट इनटू द ग्लाइकोजन, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा. तो ये ड्रग डायबिटीज मलाइटस में भी नहीं दे. डायबिटीज मलाइटस में भी क्यों नहीं देंगे? ऑलरेडी उसमें इंसुलिन का लेवल कम है, शुगर का लेवल ज्यादा है. नेक्स्ट, के फॉर विटामिन के इनहिबिशन ऑफ हॉट मलिका. इसमें के फॉर विटामिन के इनहिबिशन. विटामिन के, विटामिन के कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है? 2, 7, 9, 10.
अगर विटामिन के नहीं बन रहा है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग टाइम बढ़ेगा क्या? यस सर। नाउ ए फॉर अरिथमिया, ए फॉर क्या है? अरिथमिया। तो कार्डियक वाले पेशेंट को भी नहीं देंगे, ये किसके साइड इफेक्ट है? फैलिटॉइड। किसके है? फैलिटॉइड। दूसरी ड्रग है सोडियम बेलपोरेट, दूसरी ड्रग कौन सी है? और तीसरी ड्रग है डाइजापिन, बेंजोडाइजापिन, इसी में क्लोनाजेपाम भी आता है। हा? अब मैं आप वाले में आता हूं, चलिए अब मैं आप वाले में।